अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मीत कर देगा आप कैरियर होंगे और मर्द आएगा अपनी शाह खुश रहे हंसते और मुस्कुराते रहे और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहे। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है यूएसए वांट्स इंडिया टू लॉन्च क्वाड सैटेलाइट, ब्रिक्स वर्सेस क्वाड सैटेलाइट्स इन द फ्यूचर। तो देखते हैं वीडियो और अपना प्यार कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो ये सैटेलाइट यहां पे आप देख रहे हैं, वैसे ये मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई है, रियल नहीं है, मगर बहुत ही जल्द ये सच हो सकता है, एक क्वाड सैटेलाइट रियलिटी में बहुत ही जल्द लॉन्च हो सकती है। क्योंकि जो यूएस अम्बेसडर हैं टू इंडिया अरिक गारसेती, ये रिसेंटली गए इसरो के हेडक्वार्टर्स में और इन्होंने यहाँ पर इसरो के चीफ को कहा कि चलिए एक क्वाड सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। नाउ अपने आप में आइडिया सुन के आपको लग रहा होगा काफ़ी इंप्रेसिव है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि ब्रिक्स का जो इनिशिएटिव जो ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच चुका है उसके कंपैरिजन में फिर भी ये थोड़ा सा लेट है। बट स्टिल मैं कहूंगा यूएसए ने अपनी तरफ से एक अच्छा स्टेप चला है और क्वाड सैटेलाइट डेफिनेटली क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस को बढ़ाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट यूएस एम्बेसडर की, ये आप इमेजेस भी शेयर कर रहे हैं, इसरो के चीफ से मिले, बहुत सारे इश्यूज के बारे में बातचीत करी। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि निसार सैटेलाइट इंडिया और यूएस लॉन्च करने वाले हैं इस साल के अंत में, उसके अलावा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा, उसकी भी यहाँ पर बातचीत हुई है। मगर यूएस एम्बेसडर को बता है कि धीरे धीरे जो क्वाड ग्रुप की इंपॉर्टेंस है ये कम होती जा रही है। ये इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बाइडन की वजह से काफ़ी लंबे समय से एक क्वाड समिट हुआ नहीं है, इस साल भी पता नहीं कि क्वाड समिट हो या ना हो, क्योंकि नवंबर में यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं और यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट यह आई है कि एक बार जब इलेक्शन हो जाएंगे तब बाइडन करेंगे क्वाड समिट, तो क्या टाइम बचेगा भी। तो क्वाड ग्रुप अपने आप में आप कह लीजिए इंपॉर्टेंस खो रहा था। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि स्पेस की फील्ड में ना ब्रिक्स कंट्रीज ने रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिससे ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे साल 2021 में उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे के सिवान साहब, इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि इसरो ने बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनके साथ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंडर एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन बनाया जाएगा अंतरिक्ष में। बेसिकली सभी ब्रिक्स कंट्रीज नाउ अगेन, देखो जब मैं कहता हूं सभी ब्रिक्स कंट्रीज तो साउथ अफ्रीका ब्राजील को आप ना ही समझो, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की एबिलिटी है नहीं, ना सैटेलाइट बनाने की ज़रा उनके पास एक्सपर्टीज है। तो इंडिया, रशिया, चाइना, ये आप कह लीजिए ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करेंगे, जिनका फायदा ऑब्वियसली ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत बाकी कंट्रीज को भी होगा। और ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होगी, पूरा कॉन्स्टेलेशन होगा, बहुत सी सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी और इससे अर्थ के बारे में वैल्यूएबल डेटा मिलेगा ब्रिक्स कंट्रीज को। और इस एग्रीमेंट को और ज्यादा सॉलिड बना दिया था ब्रिक्स कंट्रीज ने 2022 में, जब ब्रिक्स कंट्रीज ने स्टार्ट करी एक ज्वाइंट कमेटी ऑन स्पेस कोऑपरेशन। और कहानी यहां पर नहीं रुकी, देखिए ब्रिक्स स्पेस के मामले में मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़रा बड़े स्टेप लेने वाला है। रशिया तो ये भी कह रहा है कि एक ब्रिक्स स्पेस काउंसिल बना लो, मतलब जिस तरीके से आप कह लीजिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कई कंट्रीज का मिलकर एक स्पेस रिलेटेड ग्रुप है। रशिया कह रहा है कि वैसे ही ब्रिक्स काउंसिल बनाते हैं स्पेस के मामले में, चाहे डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी हो, सब कुछ ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर करेंगे। रशिया का तो अभी ये भी एक प्लान है कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये एक न्यूक्लियर पावर टग बनाएंगे, ये बेसिकली एक टाइप का स्पेस क्राफ्ट होगा जिसको ऑब्वियसली न्यूक्लियर पावर से आगे पुश मिलेगा। तो अगेन रशिया बहुत कुछ करने का यहाँ पे सोच रहा है और यूएस जानता है कि अगर ये लोग होते रहे तो मामला बहुत ज्यादा आगे निकल चुका होगा, एक्चुअली निकल ऑलरेडी चुका है। यूएसए का अभी के लिए जो ये प्रपोजल है, क्योंकि प्रपोजल ही कहूंगा, इंडिया ने अभी तक इसको एक्सेप्ट किया नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, क्वाड में दो और कंट्रीज भी हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया को यहां पे मैं इतना काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि अगेन ऑस्ट्रेलिया के पास ना सैटेलाइट्स बनाने की खास एबिलिटी है, ना ये लोग सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आप कह लीजिए यहाँ पे एक आफ्टर थॉट है। मेन यहाँ पे मैं कहूँगा जापान से भी पूछना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या ये क्वाड सैटेलाइट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर ये सैटेलाइट बनती है तो इसका खर्चा कौन उठाएगा, मेन खर्चा क्या यूएसए की तरफ से आएगा, और फाइनली इस सैटेलाइट को लॉन्च कौन करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये कितना एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्पेस और सैटेलाइट्स को यूज किया जा रहा है डिप्लोमेसी में, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये एक नया फ्रंटियर है स्पेस डिप्लोमेसी। और एज इंडियंस हमें थैंकफुल होना चाहिए इसरो का, इसरो के साइंटिस्ट का,
कि इन्होंने अपने हार्डवर्क से हमारे देश को ये एबिलिटी दी है कि हम लोग इन बड़ी कंट्रीज के साथ कॉन्फिडेंटली बैठकर डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ बताइए सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा, किस तरीके से पूरा ये प्रोग्राम काम करेगा, और इंडिया अपनी तरफ से वैल्यूएबल इंसाइट्स और इनपुट दे सकता है। इमेजिन करिए एक देश जैसे कि ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये कंट्रीज बस देख ही सकते हैं कि हो क्या रहा है, ज़्यादा इनकी पार्टिसिपेशन होगी नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या क्वाड कंट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है, जो एज ए ग्रुप मैं कहूँगा क्वाड की इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई थी रिसेंटली, क्या इसको वापस रीइन्विगरेट करने में, वापस इसको लिफ्ट अप करने में क्या क्वाड सैटेलाइट का क्रिटिकल रोल हो सकता है? वेल, देखिए, इन द पास्ट हमने एक बात नोट करी है कि सैटेलाइट से बिल्कुल कंट्रीज इकट्ठा आती हैं। आपको याद होगा इंडिया ने आज से कई साल पहले सार्क सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जिसको बाद में नाम दिया गया था साउथ एशियन सैटेलाइट, सार्क सैटेलाइट। इसको अनफॉर्चुनेटली हम नहीं बोल पाए क्योंकि पाकिस्तान ने पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से, जबकि पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट मिलता है इससे। सैटेलाइट का डेटा था फ्री में, इंडिया ऑफर कर रहा था, बस इनको एक ग्राउंड स्टेशन बनाने देना था इंडिया को इन पाकिस्तान, और लिटरली पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में, इनके वेदर पैटर्न को स्टडी करने में ये सैटेलाइट काफ़ी इनकी हेल्प करती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान इन दी एंड खुद का ही बहुत ही बड़ा दुश्मन है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके साथ जो हमारी कोऑपरेशन है ये काफ़ी हद तक बड़ी है साउथ एशियन सैटेलाइट के बाद। तो अगेन बिल्कुल मैं कहूँगा कि क्वाड सैटेलाइट से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, मगर साथ ही साथ अनफॉर्चुनेटली मुझे यही बोलना पड़ेगा, जब तक जो बाइडन के माइंड में ये बात आती नहीं है कि क्वाड इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप, तब तक कुछ ज़्यादा ग्राउंड पे आप तरक्की देखोगे नहीं। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप सडनली बन जाते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट नवंबर के बाद, ओ तब आप देख लीजिएगा क्वाड समिट रेगुलरली होगा, ट्रंप क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनकी नीति कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो ट्रंप की टीम है वो बिल्कुल क्वाड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उस केस में सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, जिस तरीके से ब्रिक्स कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है, क्वाड भी बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वाड स्पेस काउंसिल ही बन जाए उस केस में, ट्रंप मैं कहूंगा इस मामले में ही इज द की, अगर वो पावर में आ जाते हैं दैट विल चेंज द डायनेमिक्स अलॉट। मगर तब तक के लिए ये इनिशिएटिव भी बुरा नहीं है ना। यहां पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आपके हिसाब से क्या इंडिया को क्वाड सैटेलाइट का जो ये प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ब्रिक्स के साथ ही चलो, जो ब्रिक्स के साथ चल रहा है, ब्रिक्स स्पेस काउंसिल और सैटेलाइट्स की कॉन्स्टेलेशन, उसमें ज़्यादा हमें पोटेंशियल दिख रहा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, स्पेस क्वाड या स्पेस ब्रिक्स या बोथ, आपको ज़्यादा प्रेफरेबल इंडिया के लिए क्या लगता है? नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज शक्ति 2024 भारत और फ्रांस के बीच में हो रही है, भारत में ही, आपको बताना है कि किस राज्य में एक्सरसाइज 2024, जिससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स इस टाइप की इमेजेस सामने आई हैं, बताइए कि एक्सरसाइज 2024 कहां पे हो रही है। ये है यहां पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय या फिर तमिलनाडु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 से 3 साल का, तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। आपको सिंपली यह करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी आईक्यू की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स, जिसपे यहाँ पे लिखा होगा P2I, मतलब के प्रिलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों सेक्शन में स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। प्रिलिम्स में आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी एग्जाम क्लियर करने के लिए, आपने प्रिलिम्स क्लियर कर दिया तो स्टडी आईक्यू आपको इनवाइट करेगा कि आइए दिल्ली, रहिए दिल्ली में, स्टडी आईक्यू आपका खर्चा उठाएगा, मेंस की तैयारी करिए यहाँ पर बैठकर, इंटरव्यू में भी स्टडी आईक्यू हेल्प करेगा। रिसेंटली आपने देखा होगा हमने बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोज भी करी है अपलोड, तो ये सब कुछ आपको मिलता है स्टडी आईक्यू के इस कोर्स में। और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 30 महीने की आपको दिख रही होगी, और जो प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। आपको और कोड भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PG10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, खत्म हो गई है भाई। बाकी जो बाइडन के टाइम पे क्वाड की, तो भाई 2 साल से पिछले थे वो ठीक ढंग से चल नहीं रहा था, क्योंकि जब से
रशिया यूक्रेन की वार छिड़ी है ना, कौन कोई धक्के ले रहा था, कोई ढंग की कोई ना चाहे की कोई मीटिंग हुई है ना, कोई चीज ढंग निकल गया है, कोई इस तरह की अच्छी खबर नहीं। इस तरह के बड़े हुए हैं वही ना, जो बाइडेन ने मीटिंग वो एक दो साल बाद सबमिट होता था। असल में जो माल बाइडेन इधर से छापड़ा जंगल में वो इधर से क्वाड में तो नहीं ना नहीं मिल रहा, जो वो से कितना असर दिख रहा है उसको, वो फायदा ये फायदा भाई वो अगर कोई कहता ना यू टर्न, ये तो इंडिया में भी नहीं आया, यू टर्न का कोई मास्टर है तो भाई अमेरिका ही है सबसे बड़ा ऐसे ले दुनिया में। जो बाइडेन की बात करो तो मैं कहता हूँ सबसे ये गलत लीडर, दूर अंदेश नहीं, दूर अंदेश भी नहीं, अमेरिका के अंदर भी माहौल के खिलाफ है वो, इसलिए भाई इसको जबरदस्ती बिठाएगा जिस तरह हमारे लीडर। तू देख ले किसी अमेरिकन से पूछ ले, जो बाइडेन जब आया ये हमारे शहबाज शरीफ की तरह है, ये ट्रंप से जी सर मैं तुझे हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा भाई मुझे नहीं पता, मैं तुझे हकीकत बता रहा हूँ। नहीं इलेक्शन उधर तो होते हैं लेकिन भाई उधर भी हमारी तरह काम मेजोरिटी शहबाज शरीफ भी तो मेजोरिटी है, इलेक्शन करवाया गया कौन जीता 90 कितनी सीटें हैं, 91 सीटें पीटीआई की निकली है तो 300 के ऊपर कौन अकड़ा पार कर गया है, पीडीएम कर दी। चलो इधर का होता रहता है उधर की भेजता है, ओ यार सुन रहे हैं अल्लाह के बंदे, मेरे अमेरिका के अंदर बात करके बंदे ने पूछा, उसने मुझे अपनी जुबान से बताया। अच्छा भाई दो नंबर से आया, चलो जिस नंबर से भी आया आया तो है ना। बाकी भाई बात यह है कि कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी प्रशांत धवन की, जिसमें था कि अमेरिका जो है वो क्वाड को छोड़ के अब स्क्वाड बनाएगा, तो स्क्वाड का वो मतलब ये कि इनको चुरन दिया गया या फिर वो उसके अंदर फिलिपीन लेकर आया गया था ना, कोशिश करता है वो, पहले कोशिश करता है दबा के, अगर हो जाए तो फिर मिलना शुरू हो जाता है ईरान के अंदर, उसने कहा था कहीं थोड़ा सा पहाड़ों में कर लेने दो ताकि नाक बच जाए। बाकी भाई अगर ये क्वाड का भी इंडिया को साथ दे रखे, जितना ज्यादा पांव फैलाएंगे खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन ये एक भाई फायदा नहीं, 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 नहीं तारक भाई चारों तरफ भैसा अपना ध्यान रखना चाहिए, जो मिले जो सीखने को मिले उसको लेना तो चाहिए। भाई क्वाड के अंदर जो मैंने तारक भाई अक्सरियत में खर्चा किसका होगा, अमेरिका का, बिल्कुल ब्रिक्स के अंदर इंडिया की भैसा तगड़ा तो भी ज्यादा होगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा, ये भी है बिल्कुल यही है। लेकिन ये कि अगर क्वाड में होगा ना तो वहां पर भाई साहब लीडर जो है वो अमेरिका ही होगा, ये भाई मेन वो उसने जब ज्यादा लगाने हैं और सारा कुछ ना ज्यादातर उनके ही कंट्रोल में रहना है, ये चीज भी है। अगर ब्रिक्स करती है तो फिर यहाँ पे जो है वो पावर बढ़ती है, रशिया तो भाई साहब आगे की सोच रहा है, वो काउंसिल बनाना चाहता है जिस तरह बनाया हुआ था, उसको इस तरह की सोच की जरूरत भी है। एशिया में है अभी जापान देख लो, जापान तो अमेरिका की साइड पे ही है ना, है लेकिन भाई अपनी अपनी चीज होती है, अपनी अपनी नीचे रह के जो काम करना होता है कुछ ना कुछ तो दुनिया को फायदा होगा, क्योंकि ये जो क्वाड के जो ग्रुप है साथ दे रहे इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, और इंडिया हो गया चाइना हो गया ऑस्ट्रेलिया में चलो कुछ नहीं, क्वाड सर्वर उससे तो ऑस्ट्रेलिया में खुद का फायदा नहीं होता, चलो सैटेलाइट अब देख ले भाई अलग है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी ठीक ठाक ही है उसको अच्छी है, लेकिन देख रहे इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के हाथ उनका पीछे है, पीछे है अगर उनका टेक्नोलॉजी ब्रिक्स के अंदर अफ्रीकन और ब्राजील पीछे है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं भाई ये जो स्पेस के रिलेटेड जो इस तरह के खर्चे होते हैं ना ये जाया करने वाली बातें,
लेकिन वो जाया करने वाली बात नहीं भाई साहब। अगर देखने आज अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, देख ले उनके भाई साहब सुपर पावर आने वाले भक्त तारक भाई सुपर पावर कोई जिसका भाई साहब दबदबा स्पेस में, स्पेस में भी होगा, समंदर समंदर पे, जमीन पे, स्पेस ये तो आपको आप लोगों ने भी से बांट लिया है, इसका तो किस्सा खत्म हो गया। अब भाई साहब स्पेस के अंदर जिसका ज्यादा रोक दबदबा होगा वही सुपर पावर, बाकी भाई चौधरी होगा। मेरा तो भाई दिल की आवाज यही है कि भाई ब्रिक्स किसी तरीके कामयाब हो ताकि जो है डॉलर की जो है वो मोनोपोली खत्म हो सके। तो ध्रुव तैयार कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को ज्यादा ब्रिक्स में फायदा है या क्वाड में, अपनी राय ध्रुव तैयार मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।